हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर वन का एक टॉपिक है डेविड ऑस्पेल के एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। ये टॉपिक पिछले साल 2021 के एग्जाम्स में काफ़ी पूछा गया है और आप लोगों में से कई लोगों ने कहा था कि ये टॉपिक जो है वो पढ़ाने के लिए वीडियो के थ्रू। देखिए, एक पेपर था 2021 में जिसमें इसी पर्टिकुलर टॉपिक से टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के सारे सवाल पूछे गए थे, मतलब कि चार सवाल ही इसी यूनिट से पूछ लिए गए थे। एक सेट में तीन सवाल पूछे गए जिसमें चार टीचिंग एप्टीट्यूड के। आप देखिए, 100-100 टॉपिक होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो हम पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, लेकिन कभी कभी एग्जाम ऐसा आता है कि वो एक ही टॉपिक से तीन क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बड़ा जरूरी है हर टॉपिक को अच्छे से समझना। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं पेपर वन और कॉमर्स पढ़ने के लिए, और आप वहां पे जो पेड कोर्सेज हैं SGRYT कोड के थ्रू जो है आप ये पेड कोर्सेज ले सकते हैं। और SGRYT कोड के थ्रू ही रोज रात को जो 10 बजे फ्री क्लास होती है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं इस कोड के थ्रू, जिसमें 2021 के PYQs हम अभी कर रहे हैं। जानते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि आप एडवांस ऑर्गेनाइजर वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, कि कोई चीज़ पहले से बताई जा रही हो। तो देखिए, अगर कोई टेक्स्ट, कोई ग्राफिक, कोई हाइपरमीडिया हमको पहले से बताया जा रहा है कोई टॉपिक पढ़ाने से पहले, तो इंस्ट्रक्टर्स या टीचर्स कभी कभी क्या करते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं उससे पहले कि आपको जो मेन कंटेंट देना है उससे पहले। जैसे मान लो मुझे आपको कोई वॉर के बारे में पढ़ाना है, तो मैं उस वॉर से जैसी ही वॉर्स के बारे में जो है या एक ब्रीफिंग आपको पहले दूं। इसीलिए एडवांस ऑर्गेनाइजर्स क्या करते हैं, ये रिलेट करते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं उस चीज को जो आप नहीं जानते हैं, या नए कंटेंट जो आप सीखने वाले हैं उसके साथ, ताकि लंबे समय तक आप इस चीज को याद रख सकें। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स जो है वो हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हायर लेवल ऑफ जनरलिटी एंड इंक्लूसिवनेस जो है, जो कंटेंट प्रेजेंट होने वाला है उसके साथ चीजों को जोड़ते हैं। तो देखिए, ये बड़ा जरूरी होता है कि हम हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन किससे एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि आप ज्यादातर ऐसी बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं जो कि हायर क्लासेस में पढ़ते हों, या जहां जिनकी क्षमता हो चीजों को हाइपोथेटिकली जोड़ने की, एब्स्ट्रैक्ट वे में जोड़ने की। तो मान लीजिए कि अगर आप लोगों को हमें क्रिकेट के बारे में सिखाना है तो हम बेसबॉल के एग्जांपल के थ्रू सिखा सकते हैं, हमें टेनिस के बारे में सिखाना है तो हम पिंग पोंग, जो कि एक नॉर्मली बचपन में खेले जाने वाला गेम है, उसके थ्रू सिखा सकते हैं। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स टेक्स्ट, ग्राफिक, हाइपरमीडिया इस फॉर्म में होते हैं, और ये आप कह सकते हो कि ये टेक्निकली जो है, आप अगर कोई फैकल्टी चूज करती है ओवरव्यू देना किसी चीज़ का, या ऑब्जेक्टिव्स बताना किसी चीज़ के बारे में, क्लास लेने से पहले कोई टीचर आपको ओवरव्यू दे दे या फिर आपको ये बताए कि ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, तो ये यूजुअल बेसिस पे एडवांस ऑर्गेनाइजर नहीं माने जाते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। सबसे पहले जानिए कि आपने अगर रिव्यू दे दिया पिछली क्लास में क्या कराया है तो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर नहीं है। एक सिंपल ओवरव्यू दे दिया टॉपिक का तो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर नहीं है। आपने ये बताया कि आपने लास्ट वीक या लास्ट ईयर आपको क्या पढ़ाया गया था, ये भी एडवांस ऑर्गेनाइजर नहीं है। बच्चों को बताना कि कल क्या करेंगे, ये भी एडवांस ऑर्गेनाइजर नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर देना किसी चीज से संबंधित जो हम पढ़ाने वाले हैं, वो भी एडवांस ऑर्गेनाइजर नहीं है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताना भी एडवांस ऑर्गेनाइजर नहीं होता। एडवांस ऑर्गेनाइजर वो चीजें हैं जो कि आप बताएं ऐसे टूल्स जो कि कनेक्ट करने के काम आए नोन टू दी अननोन को। तो यही जरूरी है कि जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं उसके बीच में जो कनेक्शन देने के काम आता है, हाइपोथेटिकली चीजों को एब्स्ट्रैक्ट वे में हाई लेवल पे जोड़ने के काम आता है, वो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो बच्चों की मदद करें, जो वो सीखने वाले हैं उसके अंदर ऐसे फ्रेमवर्क, ऐसे डिजाइन और ऐसे जो है स्पेसिफिक चीज़ें आपको बताई जाएं। ऑर्गेनाइजेशनल क्यूज़, मतलब कि प्रेजेंट किया जाए कंटेंट को इस लॉजिकल मैनर में, सिक्वेंशियल मैनर में, तो वो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएं किसी चीज़ के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बच्चों को कहें कि वो नए कंटेंट को कंपेयर करें उन चीज़ों के बेसिस पे जिन चीज़ों को वो जानते हैं, जैसे कलर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, स्मेल के बेसिस पे, फील के बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आपको नया कंटेंट को कंपेयर करना है, आपको डेमोंस्ट्रेट करना है रिलेटेड चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए, रिलेटेड डिटरमिनेंट्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे बेसबॉल जो है, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि क्रिकेट सिखाने के लिए बेसबॉल का इस्तेमाल, पिंग पोंग जो है उसका इस्तेमाल, टेनिस सिखाने के लिए, तो एक सिनेरियो देना और बच्चों को कहना कि इन्फर करना रूल्स जो कि उनकी करंट नॉलेज के आधार पर हो। तो इसीलिए कई बार बोला जाता है कि करंट नॉलेज को जो है जोड़ना आपकी न्यू नॉलेज के साथ, ये भी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की खासियत है। हैविंग स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नोन क्वांटिटी एंड देन रिलेटेड टू द न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट के साथ नोन चीजों को जोड़ना, जैसे रेंडरिंग ऑफ डिफरेंट टाइम ऑफ जियोमेट्रिक फॉर्म्स बिफोर डिस्कसिंग देयर इंडिविजुअल लाइकनेस। तो डिफरेंट टाइप जो इकट्ठे करके आपने जियोमेट्रिक फॉर्म्स के बारे में बता दिया और फिर इंडिविजुअली उनको जो है आपने असेस किया कि ट्राइंगल के ओवरऑल प्रॉपर्टीज जान लिए, फिर ट्राइंगल के स्पेसिफिक भाग में चले और फिर उसके बारे में सीखा, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर रीजन तलाशना कि ये क्यों अकर हुई है, और बिफोर टीचिंग द रीजन ये हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई वॉर के ओरिजिन क्या थे, मेजर
मेजर बैटल्स पढ़ाने से पहले, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको अनअकैडमी की सभी फ्री क्लासेस के जो रात को 10 बजे होती है प्रीवियस ईयर की 2021 के क्वेश्चंस की, वो मिल जाए। वहां पे मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में कुछ पीडीएफ दे रखी है, जिसमें पेपर वन की फ्री कंप्लीट क्लास लिस्ट है, जिसमें आप पूरा पेपर वन कवर कर सकते हो। इस पीडीएफ में सभी क्लासेस के लिंक है, आपको टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये जो सीरीज हमारी चल रही है 2021 के पीवाईक्यू की, इसे जरूर ज्वाइन करिए, एसजीआरवाईटी कोड के थ्रू अनलॉक कर लीजिए। टेलीग्राम में इस क्लास का लिंक रोज आ जाता है।